अयोध्या से अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा। गुस्साए लोगों ने फतेहगंज चौराहे के पास प्रदर्शन किया। नगर कोतवाल द्वारा अधिकारियों के आने की जानकारी देने के बाद लोग माने सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी से जल्द समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। सिटी मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने कहा, यहां ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण इस क्षेत्र में लाइट नहीं आ पाई, जिसे जल्द ठीक करने के लिए कहा गया। बारिश के कारण जिले की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है, जनता को संयम बरतना चाहिए। विगत दो दिनों से तेज बारिश होने के कारण शहर में लगातार विद्युत सप्लाई बाधित कर रही है। शाम को हर जगह लाइट आ गई, परंतु फतेहगंज क्षेत्र में लाइट नहीं आई, जिसको लेकर गुस्से में लोगों ने फतेहगंज के पास प्रदर्शन किया। वहीं अधिकारियों के आने के बाद स्थानीय लोगों ने ऋषि टोला में जल प्रभाव की समस्या बताई, जिसे मौके पर जानकर सीओ सिटी व मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण किया व समस्या के जल निवारण की बात कही। समय नहीं बदला जा सका है, अभी उस पर आधे घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ व्यवस्था करा दी जाएगी। अंदर गलियों में वाटर लॉगिंग भी है, उसके लिए नगर निगम की भी टीम लगा दी जाएगी और काम हो रहा लगातार। शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो संयम बनाए रखें। पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम अपने काम में लगा हुआ है। मौसम है, आपदा है, इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। जिस तरह से तो जो भी अधिकारी इस कार्य में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति भी की जाएगी। और हमारा नंबर, सीओ साहब का नंबर, बाकी सब डिस्प्ले है जगह जगह पर। पब्लिक को कोई भी शिकायत होती है तो उसकी त्वरित सूचना दें, उसका तत्काल संज्ञान लेकर के और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू। लापरवाही की वजह से आम जन का आक्रोश हुआ और जो कुछ पब्लिक जो समस्याओं से बत्ती को लेकर के घिरी हुई थी और ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे थे और लोग 11 बजे से प्रयासरत थे, उसमें कोई सफलता इनको नहीं मिली, तो पब्लिक आक्रोशित होकर के थोड़ी देर के लिए फतेहगंज चौराहे पे आ गई। हम लोग आकर के उसको मैनेज करके अधिकारी आ गए, सब संतुष्ट हैं। अभी ट्रांसफार्मर आधे घंटे में लग जाएगा, लेकिन जल भराव के लिए कल से मुख्यमंत्री तो पानी को की व्यवस्था तत्काल नहीं रोकी जा सकती, लेकिन प्रशासन ने सकारात्मक जवाब दिया है। अब कल तक देखिए क्या विभाग का क्या कहना है आप लोग के लिए। बिजली विभाग के जेई से मेरी 4 घंटा पहले बात हुई थी। 4 घंटा पहले जेई ने कहा कि 6 बजे तक हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। बाकी जब रोड पे आए, यहाँ चौराहे पे पब्लिक खड़ी थी, तो जब हम आए तो लोगों से पूछे तो कहें कि भैया आप कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई फोन नहीं उठ रहा। तब जब ये अधिकारी आए हैं तब ये हुआ कि आधे घंटे में लगेगा। प्रेमनाथ राय। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।